जब हम किसी जानवर को पालने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले कुत्ते की ही याद आती है, और कुत्ते का नाम सुनकर प्यारे पप्पी की याद आती है। ये तो हमेशा मासूम ही होते हैं और इसकी वजह से ही इसे वफादार जानवर कहा जाता है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। इसकी मासूमियत पर जाना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ये तब सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब ये खतरे को भांप लेते हैं। आपने तो देखा ही होगा, जब इसके बच्चों पर कोई मुसीबत आती है तो इसका सबसे खतरनाक रूप देखने को मिलता है। तो मैं आज आपको ऐसे ही खतरनाक कुत्तों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इतने खतरनाक हैं जिसको पालने पर बैन लगाया गया है। नंबर 1, पिट बुल डॉग। ये कुत्ता सबसे खतरनाक और हमला करने वाले नस्ल का होता है। इसका वजन 15 से 30 किलो तक होता है, लेकिन इनके हमलों को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सन 2014 में अमेरिका में ही इस कुत्ते के हमले से 25 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कई देशों ने इस कुत्ते को पालने पर बैन लगा दिया, पर अब भी कुछ ऐसे देश हैं जहां इन कुत्तों को पाला जा रहा है। नंबर 2, जर्मन शेफर्ड। ये कुत्ता भी दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में गिना जाता है। इस कुत्ते की पहचान पुलिसिया कुत्तों के रूप में की जाती है। इसका वजन 30 से 35 किलो तक हो सकता है। ये लोगों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है, जिसके बाद इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई देशों ने इसे पालने पर बैन लगाया है। नंबर 3, रॉटवेलर। ये कुत्ता सभी कुत्तों की प्रजाति में सबसे शक्तिशाली होता है। ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हमला करता है। इसका वजन 42 किलो तक होता है। 90 के दशक में अमेरिका में ही कुत्तों के काटने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादा हमले इसी कुत्ते के थे। सन 2013 में भी इस कुत्ते के काटने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस कुत्ते के पालने पर बैन लगा दिया गया। नंबर 4, डाबरमैन पिंचर। इस कुत्ते की गिनती पुलिस के कुत्तों में गिनी जाती है, पर आम लोग भी इस कुत्ते को पालते हैं। ये कुत्ता अजनबी लोगों को देखकर खतरनाक हो जाता है। इसके काटने से साल 2010 में 4 लोगों की मौत हो गई। इसका वजन 50 किलो तक होता है। कई देशों में इसके पालने पर बैन लगा दिया गया है। नंबर 5, बुल मिस्टीफ। ये कुत्ता बहुत खतरनाक होता है। इसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इसका वजन 55 किलो तक होता है। साल 2016 में अमेरिका में इसके काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं किसी और शहर में इसके काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद इस कुत्ते के पालने पर भी कई देशों ने बैन लगा दिया। तो ये थे दुनिया के कुछ 5 खतरनाक कुत्ते जिनके पालने पर कई देशों ने बैन लगाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल ऑल एवरीथिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी के बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।